अगर आप अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब रियल स्टेट के अंदर एक नए तरीके का स्कैम हो रहा है और इस स्कैम को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ और आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा स्कैम समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है। अब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मार्केट में वो बिकने को आ जाती है, मान लेते हैं 8 करोड़ में या 8.5 करोड़ में, तो कई सारे बायर्स उसे खरीदने को इंटरेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से लगभग 20% कम पे मिल रही है। अब 20% कम पे मिल रही है तो अब इंटरेस्टेड बायर बहुत सारे हैं, सेलर की बिल्कुल चलेगी और जेन्युइन प्रॉपर्टी है, सेलर के नाम पर पेपर्स हैं। कोई आदमी मिलने जाता है सेलर से किसी डीलर के थ्रू और वो सारे पेपर्स चेक करता है, इनफैक्ट वो एडवोकेट को बीच में लेकर आता है और किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से सारे पेपर्स चेक करवाता है, पेपर बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ पर पेपर सेटिस्फाइड होने के बाद, पेपर से सेटिस्फाइड होने के बाद वो जो बायर है वो सेलर के साथ एक एग्रीमेंट करता है। अब वो एग्रीमेंट कोर्ट में जाके नहीं करता, वो एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, आप स्टैम्प पेपर डाउनलोड कर लेते हो और स्टैम्प पेपर खरीद लेते हो और उस पर आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो लिख देते हो। ये काम जनरली डीलर करा देता है। अब यहां पर ट्विस्ट क्या आता है, ट्विस्ट ये आता है वो प्रॉपर्टी तो मिल रही है 8.5 करोड़ की, बट जो सेलर है वो एक कंडीशन रख रहा है। वो कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई अब प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं तो जनरली जब आप किसी बिल्डर से खरीदते हो या किसी आप डेवलपर से खरीदते हो तो वहाँ पर आपको सारा पेमेंट अकाउंट ट्रांसफ़र करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कि आपको वाइट में ट्रांसफ़र करना होता है। बट जब आप देखते हो रियल स्टेट की ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर इंडिया, इसके अंदर कई सारे जो सेलर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि आप ना हमें पूरे पैसे वाइट में मत दो, हमें ब्लैक में पैसे दे दो, ब्लैक मतलब कैश में पैसे दे दो, जिसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो खरीदने पे जो पैसा आपने सेलर को ट्रांसफर किया है, जो आपने जिस रेट पर खरीदा है उस रेट के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो कि लड़कों को लगभग 7% की लगती है, लड़कियों को लगभग 5% की लगती है। तो जो बायर भी होता है ना वो भी वो स्टैम्प ड्यूटी को बचाना चाहता है। मान लेते हैं कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 7% के हिसाब से 70 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यहीं पर अगर सेलर एग्री हो जाता है कि आप एक काम करो, कोई 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मुझे 5 करोड़ रुपए आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और 5 करोड़ रुपए ना वो फार्म हाउस में कैश पहुंचा देना, तो जब कोई कैश की बात आ गई तो अब क्या हुआ, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अब वो ब्लैक का पैसा है। तो अब 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन होगी और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, तो यहां पर 35 लाख रुपए बायर के बच जाते हैं। तो बायर भी इंडिया के अंदर चाहते हैं कि हम कम से कम वाइट में पैसे दें और जो सेलर है उसे लगता है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि अभी पता है ना आपको 12.5% का हो गया, तो अगर वो कैपिटल गेन ज्यादा होगा तो उसे 12.5% का टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स बचता है दोनों ही तरफ से, सेलर का भी बायर का भी। तो बायर को स्टैम्प ड्यूटी का फायदा हो रहा है, सेलर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा हो रहा है। तो अब यहां पर क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन होती है, अब सुनिएगा वही वाला केस कि स्कैम क्या हो रहा है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी एक सेलर कह रहा है कि भाई मैं 8 करोड़ में या 8.5 करोड़ में दे दूंगा, बट मुझे जो कैश है वो ज्यादा चाहिए, मैं तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए अकाउंट में लूंगा। मान लेते हैं वहां का हर एरिया का एक सर्कल रेट होता है और प्रॉपर्टीज जनरली सर्कल रेट से ऊपर बिकती हैं। अगर कोई भी सेलर सर्कल रेट से नीचे प्रॉपर्टी बेच देता है तो यहां पर इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी जो सेलर है वो सर्कल रेट से नीचे चीजें नहीं बेचता, बट मान लेते हैं ये यहां पर कोई भाई साहब हैं जो सेलर बन के खड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ 2 करोड़ अकाउंट में चाहिए, मैं सर्कल रेट के नीचे भी बेच दूंगा। तो अब यहां पर पहला एक सस्पिशियस बात आ रही है, बट बाहर को लगता है तो बहुत अच्छा है कि भाई मैं 2 करोड़ में खरीद लेता हूं और अब पॉइंट क्या आएगा कि मैं बाकी के पैसे कैश में दे दूंगा, मेरी स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम लगेगी। अब इस बात के ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब जब एग्रीमेंट होता है ना तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये कोर्ट में जाके नहीं हो रहा, जहां पर सेलर को और बायर को दोनों को मौजूद होना है, वो आप किसी घर में या डीलर की दुकान में जाके, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में जाके एग्रीमेंट कर ले, तो जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। आपने क्या किया, उस सेलर ने डिमांड किया कि भाई अभी मुझे ना एडवांस ज्यादा चाहिए, मैं आपको सस्ता दे रहा हूं, तो आप एक काम करो 8.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ रुपए जो हैं आप 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और 3 करोड़ रुपए आप मुझे कैश पहुंचा दो या फलाना दिमाग कहीं पर भी आप मुझे कैश की ट्रांजेक्शन कर दीजिए, और हम एग्रीमेंट जो है वो कम पैसे का कर लेते हैं। 8.5 करोड़ की बात हुई, आपने 3.5 करोड़ दे दिया तो हम 5 करोड़ का एग्रीमेंट कर लेते हैं और आपकी 50 लाख रुपीज अकाउंट में आ गए, तो जैसे भी उसे नोट करना होगा 5.5 करोड़ का एग्रीमेंट बना के हम नोट कर लेंगे। अब देखो हुआ क्या,
एग्रीमेंट वैल्यू कम हो गई। तो यहां पर बायर को क्या लगता है, हाँ ठीक है अगर कल को कंटेस्ट करना पड़ेगा एग्रीमेंट को, तो वो दिखा सकता है कि मेरी 5.5 करोड़ में डील हुई थी और 5.5 करोड़ मेरे को इस सेलर को देने हैं और 50 लाख में दे चुका हूं, बाकी के 5 करोड़ रिमेनिंग है और ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। आपको यहां तक जनरली लोगों को लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है कि भाई उसने कैश भी दे दिया, 50 लाख रुपए भी दे दिए और प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट है वो 5 करोड़ का कर लिया। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट होता है उसमें 90 डेज, 120 डेज, 60 डेज का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, ये टाइम बायर को मिल जाएगा और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट स्कैम यहां से शुरू हो रहा है कि जो सेलर है ना वो इतना शाणा है कि उसने 10 लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ है, पेपर जेन्युइन है, एडवोकेट ने चेक करे, बट अब उसने सबसे 3-3 करोड़ या 3.5 करोड़ रुपए उठा लिया, मान लेते 3-3 करोड़ उठा लिया 10 लोगों से, तो ये हो गया लगभग 30 करोड़ रुपए। अब समझिए यहां पे कर क्या रहा है सेलर। सेलर एक ही प्रॉपर्टी 5, 10 या 15 लोगों को बेच रहा है। प्रॉपर्टी एक ही है, चाहे रियल हो, उसके पेपर्स रियल हैं, सब कुछ सही है, बट यहां पर 400 BC क्या हो रही है कि कई सारे लोगों से एग्रीमेंट कर लिया, बेची किसी को नहीं है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के नाम पर पैसे उठा लिए। अब किसी को पता ही नहीं है, एक बायर को पता ही नहीं कि यह प्रॉपर्टी सेलर पहले से किसी को बेच चुका है। तो यहां पर जो 400 BC हो रही है अपने आप एक बहुत बड़ा स्कैम है और यहां पर जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो फंस जाते हैं सस्ते के चक्कर में। यहां पर कई लोगों के साथ गलत हो रहा है और ये चीजें सामने आ नहीं पाती क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शंस काफी हैं और भाई साहब देश छोड़ के भाग जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई जोक कर रहा हूं, बट मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी जिस एरिया में मैं रहता हूं, दिल्ली NCR के अंदर इस तरीके के केसेस होने शुरू हो गए और इसमें जो बायर है वो कुछ नहीं कर सकता। वो कोर्ट में जाता है तो भैया बाकी के 9 बायर और आ जाते हैं, यार हमसे भी एग्रीमेंट कर रखा है, ये प्रॉपर्टी तो हमारी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली जाती है। उस आदमी के ऊपर, सेलर के ऊपर 400 BC का केस तो लगता है बट वो इंडिया में है ही नहीं। अब उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चली गई, उसे प्रॉपर्टी से ज्यादा के पैसे मिल चुके हैं एंड ही इज नॉट इन इंडिया। व्हाट विल यू डू? अगर आप उस बायर की जगह होते तो क्या होगा? आप तो मन में खुश हो रहे थे कि भाई मैंने 10 करोड़ की चीज 8 करोड़ में ले ली और मैं कुछ महीने के बाद इसे 10 करोड़ 11 करोड़ का बेच दूंगा, प्रॉपर्टी में तो एप्रिसिएशन होता रहता है। अब ये चीजें आपको सुनने में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं ये लो लिक्विडिटी वाली ट्रांजेक्शन होती हैं, ये मार्केट में ओपन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर रोज कोई 10-10 करोड़ की बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई यहाँ पे आईफोन नहीं बिक रहा, कोई सब्जी नहीं बिक रही है, बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही है। बट बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी ट्रांजेक्शन में बड़े स्कैम्स होते हैं। अगर आप लोग कोई घर खरीद रहे हो तो आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको कोई पागल ना बना दे। अब यहां पर एग्जांपल तो मैंने कैश और जो ऑनलाइन ट्रांसफर है दोनों की बात करी, बट मैं कहता हूं ऑनलाइन ट्रांसफर भी है। चलो आपको लगता है हम तो सिक्योर्ड है, हम तो दिखाएंगे कि हमने ट्रांसफर कर रखा है, अगर ट्रांसफर कर भी रखा है तो भी बंदा भाग गया तो क्या करोगे? और अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट दी है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि आपने पैसे दिए, एग्रीमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो अगर वो आदमी कहीं भागता भी नहीं है, वो खड़ा भी रहता है, वो कहता है जी मैं आपके 50 लाख वापस कर देता हूँ, मैंने गलती करी 400 BC करी, उसने कहा जी 400 BC करी जी, मैंने कोई बात नहीं, मैं सबके 50-50 लाख रुपए वापस दे रहा हूँ। उसने वापस भी दे दिए, किसी से लिए भी नहीं, मान लो 10-10 लाख रुपए लिए, 1 करोड़ रुपए वापस दे रहा हूँ, तो वो 14 करोड़ रुपए अंदर कर गया और लोग पागल बन गए। और यहां पर मार्केट में कई सारे ऐसे लोग करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो कैश बहुत ज्यादा मांग रहे हैं और वो जो आपका बैंक ट्रांसफर है उसे मतलब सस्पिशियसली लो मांग रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या घर खरीदते हो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई लगती है और कोई आपके साथ कोई 400 BC कर जाए तो भाई आप किससे लड़ोगे, कहां जाओगे? तो ये चीजें ऐसी हैं जो अब मार्केट में होनी शुरू हो गई है, लोगों ने नया दिमाग लगा लिया है, एक एक खेत के ऊपर 5-5 लोगों से एग्रीमेंट कर रहे हैं और पेपर कई लोगों के जेन्युइन नहीं भी होते। मैं तो एग्जांपल वो दे रहा था जो पेपर जेन्युइन है। अभी मुझे रिसेंटली ये जब केस सुनने में आया ना मेरे भी होश उड़ गए कि लोग इतना मतलब आप सोचो किस तरीके का शार्तर दिमाग लगा रहे हैं।
तो मुझे लगा मुझे अपनी ऑडियंस को अवेयर करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, कैसे कोई बायर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है इस तरीके के रियल स्टेट स्कैम से? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आपके पास कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन हो। इसी तरीके की अवेयरनेस वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, रियल स्टेट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कि रियल स्टेट में भी किस तरीके के स्कैम चल रहे हैं।